प्रेगनेंसी रोकने के लिए या प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए क्या उपाय, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस। प्रेगनेंसी रोकने के लिए वो जो उपाय करते रहते हैं उसके वजह से उनको लिंग में तनाव नहीं आता है या शीघ्र पतन हो जाता है, तो अभी उसके लिए हमें ऐसा बताएंगे ताकि हमको ये लैंगिक समस्या नहीं आएगी, तो उसके बारे में आज बातचीत करते कि हम क्या क्या कर सकते। देखो, प्रेगनेंसी रोकना है तो ब्रॉडली तीन तरह के लोग आते हैं। एक तो है कि शादी हुई है और अभी उनको बच्चा नहीं चाहिए करके प्रेगनेंसी भी रोकना है उनको। नंबर एक, एक बच्चा हुआ है और दूसरा बच्चा होने के लिए उनको दूसरे के बीच में गैप देना है और इसलिए लोग आते रहते हैं। और तीसरा है कि फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और अभी बच्चा नहीं चाहिए इसलिए लोग आते रहते हैं, मतलब इसलिए लोग प्रेगनेंसी रोकते हैं। अभी सादा सिंपल उपाय जो है, उपचार जो है, वो है कंडोम का वापर करना। कंडोम का वापर आप करते हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, प्रेगनेंसी नहीं होंगी। और बहुत ही सिंपल है, आसान है, सस्ता तरीका है। पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कंडोम फट जा सकता है, कभी कंडोम निकल जा सकता है, और फिर उस समय या फट जा सकता है, निकल जा सकता है, या कंडोम पहनना भूल गए, लगाया नहीं, या जोश जोश में वो बाजू में हो गया और सेक्स कर लिया, तो ऐसे इसमें फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। 14% चांसेस है कि कंडोम वापरने के बाद में भी प्रेगनेंसी रह सकती है। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कंडोम पहनने के बाद में उनका जल्दी स्खलन हो जाता है, उल्टा कुछ लोगों का टाइम लगता है स्खलन के लिए, या कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है। सब कहाँ डिपेंड करता है यहाँ। तो जिनका कंडोम से जल्दी गिर जाता है तो उनको एनेस्थेटाइज्ड कंडोम्स मिलते हैं जिसमें स्प्रे मारा जाता है या कुछ दवाएं डाली जाती है जिससे लिंग के ऊपर सेंसेशन नहीं आएगा और आपका वीर्य जल्दी नहीं निकले, तो वो वापर सकते हैं। तो ये हो गया कंडोम का। फिर दूसरा जो है वो है गोलियां, कि जो स्त्री ने लेनी चाहिए। तो कुछ गोलियां ऐसी है कि जो लगातार उनको 21 दिन तक लेनी है, और कुछ गोलियां ऐसी है कि जो उनको हफ्ते में 2 बार लेने की। गोलियां का यह होता है कि यह गोलियां लेने का डिसीजन स्त्री के हाथ में होता है। प्रॉब्लम यह होता है कभी गोली लेने भूल गई, तो फिर गोली लेने यदि भूल गई तो फिर दूसरे दिन डबल गोली लेना ऐसा हो सकता है, तो फिर वो चांसेस फिर कम है। 95% चांसेस है कि गोली लेते हैं तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रहेंगी। गोली जब लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स है, जैसा पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, पीरियड्स कुछ दिन तक रुक जाना, या इरेगुलर पीरियड होना, ज़्यादा मेंसेस होना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स कभी कभी हो सकते हैं। यदि पीरियड गोली की वजह से रुक गए तो लोगों को लगता है कि नहीं प्रेगनेंसी हो गई, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये गोली का है। गोली का प्रॉब्लम ये और रहता है कि गोली बंद करने के बाद में हो सकता है कि 6-7 महीने तक फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी या नहीं ठहरेगी, तो उसका वो गोली का साइड इफेक्ट है, मतलब वो उसका असर काफी दिन तक चल सकता है। तो ये गोली नंबर 2। तो नंबर 3, कुछ लोग क्या करते हैं कि वीर्य निकलने के पहले ही इंटरकोर्स बंद कर देना और लिंग योनि के बाहर निकालना, उसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। तो वो भी एक उपाय है, मगर ये भी एक ऐसा तरीका है कि इसमें गारंटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वीर्य स्खलन होने के पहले कुछ वीर्य यदि निकल गया हो और उसमें शुक्र जंतु यदि गए होंगे अंदर, तो प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये कोई ऐसा पक्का उपचार नहीं है कि क्वाइटस इंटरप्टस के बीच में रोक देना, तो वो कोई पक्का उपाय नहीं है और वो भी लोग करते रहते हैं। तो ये हो गया तीसरा। फिर नेक्स्ट वाला उपचार है, या मतलब तरीका है, कॉपरेटी का। तो कॉपरेटी, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो बीच में कॉपरेटी बिठा लिया, तो एक कॉपरेटी रहती है वो 5 साल तक चलती है, एक कॉपरेटी वो 3 साल तक चलती है। कॉपरेटी का प्रॉब्लम रहता है कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर उस समय कॉपरेटी निकालना पड़ता है और निकाल के फिर नई कॉपरेटी डालना पड़ता है यदि इन्फेक्शन हो गया तो। तो एक कॉपरेटी का उपचार है। नेक्स्ट जो है वो है कि धीरे धीरे निकलने वाली, मतलब सस्टेन रिलीज दवाइयाँ, तो वो यदि रखते हैं तो धीरे धीरे सस्टेन रिलीज हो सकती है, वो निकल जाएंगी और वो उसका असर भी काफ़ी दिन तक चलता है। यदि लेडी 40 साल के ऊपर है और वो प्रिवेंट करना चाहती है प्रेगनेंसी, तो एक प्लास्टिक डिवाइस आता है इंट्रा यूट्राइन, गर्भपिशवी के अंदर रखने वाला, उसको बोलते हैं मिरेना। तो वो एक प्लास्टिक डिवाइस है जो बहुत धीरे धीरे ड्रग छोड़ता है अंदर, जिससे कि मतलब गर्भाशय जो है उसकी जो इनर लाइनिंग है उसको ऐसा चेंजेस लाता है कि जो शुक्राणु जो है वो उसको अटैच नहीं हो पाते। तो वो 5 साल तक ये डिवाइस चलते रहता है
और 5 साल तक इसका असर रहता है और ये मेरे ना जो है वो डिवाइस बच्चा होने नहीं देता, मगर उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है कभी कभी ज़्यादा और तकलीफ भी हो सकती है कभी लेडी को, और उसका भी इस्तेमाल काफ़ी लोग करते रहते हैं। फिर यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो फिर नसबंदी का उपाय, मेल्स और फीमेल दोनों भी, तो मेल्स में वास डिफरेंस जो है उसको कट करते हैं ताकि फिर से मतलब वो स्पर्म उधर जाएंगे नहीं सेमिनल वेसिकल में, वहाँ वो जमा ही नहीं होंगे, शुक्राणु जाएंगे नहीं ऊपर, शुक्राणु का मतलब जो ट्रैवल है, जो सफ़र है ना, यात्रा जो है वो बीच में रुक जाएंगे क्योंकि अभी उसको कट किया गया है। या स्त्री में नसबंदी करते हैं उनका भी मतलब कट करके वो जो यूट्राइन ट्यूब्स जो है वो कट कर देते हैं और वहाँ से फिर बीज है स्त्री बीज वो वहाँ यात्रा नहीं कर सकता और गर्भाशय में नहीं आ सकता है। तो यह है नसबंदी का ऑपरेशन और वो भी एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही मतलब ऐसा पक्का है कि जिसमें बच्चा होगा नहीं और प्रेगनेंसी रुकी जाएगी। तो ऐसे अलग अलग उपचार है। अभी सवाल आता है कि जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए, तो वो एक अलग विषय होगा और उसके ऊपर अभी मैं भाषा नहीं कर सकूँगा। उनमें भी ऐसा मतलब अलग अलग तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं और वो एक अलग विषय अलग वीडियो में मतलब चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।